जी राम लाल जी सर, समझ में नहीं आता है ये ठाकुर साहब जिन्होंने ये फूलन की जमानत को ले लिया। जी सर, कोई बात नहीं यार, जब हमको जमानत के कागज मिल गए हैं हमको लोगों को करना क्या। ठीक है, अच्छी तरीके से कड़ाई से यहाँ पर ड्यूटी होना चाहिए। जी सर, हमारे इस इलाके में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं हवलदार सोच लो तुम्हारे हाथ में अच्छा नहीं होगा। जी सर, ठाकुर साहब क्या बात है, आपने वाकई में बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए आपसे कुछ कहना है। क्या कहना चाहती हो बोलो। ठाकुर साहब आपने किया बहुत मुझे दुआएं दे रही हो और एहसान की बात कर रही हो, ये एहसान नहीं है, बतलाइए। ये तो इंसान का फर्ज बनता है। इसमें का है का
तो सच है कि तुम मेरे गांव में आ गई हो। और यह भी कहावत सच है कि यहां आने वाले के पांव के निशान तो पाए जाते हैं पर जाने वाले के नहीं। क्या? हाँ। नहीं, नहीं। मेरे मर्जी के बगैर यहां परिंदे भी पर नहीं मार सकते। देखो बोला ठाकुर साहब। हाँ मैं आपके पैर पड़ती हूँ ठाकुर साहब। अरे पगला गई है। हाँ? मुझे जाने दीजिए ठाकुर साहब। चली जाना चली जाना बस मैं आपके पैर। डायरेक्ट सीने से लिपट जाके। नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए ठाकुर साहब। क्यों? देखो फूलन ये पीतल की नथिया पहन के जो घूमती है ना ये ठाकुर तो मैं सोने की नथिया। ठाकुर साहब फूलन सुनो बोलो। ठाकुर साहब रहे मुझे कर दीजिए मुझे दुखिया कोई इतना सता। कहां से दया आएगी जो दिल में बसी है उसके लिए दया कहां आएगी। मैं तुम्हारी पैर पड़ती हूँ। देखो हाथ पांव पड़ने से काम नहीं चलेगा। जाने दीजिए मुझे जाने बंद बकवास कर बदबू तो हो चुका बंद देखने में तो सारी तिर रही है पर आसन की बहुत वजन है। बड़े ठाकुर माल बिल्कुल ठहाका है यार। अरे मैं यहाँ तक लाते लाते परेशान हो गया इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ खिलाई ज्यादा करो। बहुत हाथ पांव सारी न पटका क्या करे जा। अब तो बाजा बाजे इधर आ। क्या बात है? अरे हम लोगों में क्या कमी है? नहीं नहीं जाने दीजिए मुझे ठाकुर साहब जाने दीजिए मुझे जाने दीजिए यहाँ। अरे जाने के लिए यहाँ नहीं लाया गया कुछ पाने के लिए लाया गया है।
जी ठाकुर साहब। ए लला ये इसी तरीके से सारी परेशान कर रखी है, इसे ले चलो ठाकुर कब्र के अंदर पकड़ इसको ले चल। साली बाउल बाउल लेट 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 बाउल सोच करूं आज से भागी नहीं। छोड़ दीजिए मुझे फूलन देवी। अरे हम तेरा वो हालत करेंगे ना कि दोबारा जब पैदा होगी तो औरत होने पर पछताएगी। पसिया में चमन आ गए साले नहीं पसीना से ठाकुर का बोला रे इरफानी धारा क्या बोला है कहा तुम हो पसिया गए पसिनिया नहीं तो साले हम फक्के आ गया है साले कोई काम करने पर पसीना नहीं निकलता बस फरुहा भांजत रहो का इरफान खाई ढगे लत रहे कसम भगवान की पहली बार ऐसी लंबिया मिली जिंदगी में ये भी सोचो कि कोई मर्द से पाला पड़ा था कोई मर्द मिला है। अब हम लोग चलते हैं स्नान करेंगे गंगा जी में उसके बाद सोचे करना क्या है। अरे ठाकुर ले जाओ जाओ स्नान करो गंगा जी में स्नान करिए। हाँ तुम तो स्वर्ग जाते हो और गंगा जी का ले जाओ वह सर इरफान अपने जुगाड़ में जाओ जाओ इरफान गंगा मैया चाहिए तो सारे कलयुग का वासुर सत्का सत्या नाशो अपना तो ये भारत देश महान हरे कृष्णा हरे राम अपना ओलंबरदार कहावत में कहीं है अपना भारत देश महान और सौमा 80% बेईमान बेईमान। तुम लोध बड़े ईमानदार लोध नहीं तो सारिया गड़रिया हम लोग इतने जूता मार देंगे ना कि दोबारा चले पैदा नहीं होगे तुम पैदा तो बना हुई हम लोग भगवान से विनती करते हैं कि राधे राधे कुड़ी पटा दे हरे मुरारी मिले कुआरी जय हनुमान पट जाए मेरी जान जय रघुनंदन जय घनश्याम अब मिले तो मिले नहीं जय सिया राम बहुत बढ़िया बढ़िया नहीं तो साले मंगता है जय सिया राम।
तिलई ये जब गलत है जिंदगी और ये चीना है मुझको साथ से जिद करे कर कोई तो मार दूंगा चाल से। तिलई लाला राम और श्री राम दोनों मिलकर के फूलन की इज्जत लूट लेते हैं और फूलन को अपने हवेली से निकाल देते हैं। आज देखिए फूलन कहां जा रही है, क्या करती है, गौर कीजिएगा। ओ पालनहार आज न क्यों रह रहे करके मुझे फूल की याद आ रही। काफी दिन हो गए उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई। जी सरदार चलाओ चलते हैं। मेरे मित्रा आजा तुझको पुकारे मेरे मित्रे मित्रे हो मेरे मित्रे मेरे मित्रे
क्या भारी बात, लगता है ये तो फूलन की आवाज है। फूलन 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 मैं तेरी याद ही कर रहा था अपने तेरे साथ में ये हाल। जुर्म किसने किया है ये तेरे साथ में, साफी साफ बतला मुझको सनम। तेरे किसने किया कभी नहीं हो सकता है। लला राम और श्री राम को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि अगर अगर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया तो मेरा नाम विक्रम ने ये फूलन। आज के बाद तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। आज के बाद वो नारी हो चुकी हो तुम,
याद करो लक्ष्मी बाई, याद करो जिसने अंग्रेजों से लड़कर आज इतिहास में नाम अपना ऊंचा किया है, उसी तरह से आज से तुम मेरे साथ में रहोगी और उन कुत्तों से गिन गिन के बदला चुकाना पड़ेगा। तुम्हें मैं पहले भी पवित्र माता था और आज भी पवित्र हूँ, आज भी पवित्र हूँ और मैं सौगंद खाता हूँ, मैं बचन देता हूँ कि तब तक इस दुनिया से मिटा नहीं दूंगा तब तक मैं जिंदा रहूंगा, ये मैं तुम्हें वचन देता हूं। ठीक है विक्रम, यही आपसे उम्मीद थी। और मेरे साथ मेरी तो दुनिया उजड़ गई विक्रम। दुनिया उजड़ी नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूं दुनिया उजड़ने वाला को कर उजाला दिया तो मेरा नाम विक्रम नहीं। कहो विक्रम, मेरे साथ मेरे कबीले में मैं अपने सरदार के पास तुम्हें ले चलता हूँ, सारी बातें बताऊंगा कि मजबूर और बेचारी मजबूर है औरत है। चलो अपने दिल को आज के बाद पत्थर बना लेना। फुलन अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल सरदार के पास में चल देता है और इधर देखिए सरदार बाबू गुजर अपने देखिए अड्डे पे बैठे रहते हैं। आगे देखिए क्या होता है, गौर कीजिएगा।